फ्रेंड, तो अभी आप लोगों को जो दिखाऊंगा एक एसर का लैपटॉप है, इनबिल्ट कीबोर्ड, ठीक है। तो उसका कैसे इसको रिप्लेस करें, कैसे इसको कीबोर्ड को चेंज करें, आज इस वीडियो में आप लोगों को पूरी तरीके से प्रैक्टिकल दिखाऊंगा और आपका नॉलेज भी प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर सब्सक्राइब किया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना हो। चलो स्टेप बाय स्टेप आप लोग को दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक लैपटॉप है, ये एसर का है और इसका मॉडल क्या है गौर से देखिएगा, ES1-572-33M8 है मॉडल। और नॉर्मली इस कीबोर्ड जो है ख़राब है, ये काम दूसरा काम कर रहा है, वर्किंग नहीं कर रहा है प्रॉपर तरीके से। और अभी इसको जो कीबोर्ड है इसको रिप्लेस करूँगा, मतलब इसको रिमूव करूँगा। और यहाँ पे मेरे पास एक कीबोर्ड है, इसको हम यहाँ पे फिट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि पीछे सारे जितने सारे लैपटॉप का बैक साइड में स्क्रू है उसको पूरा रिमूव करना है, हार्ड डिस्क वगैरह सब कुछ रिमूव करना है, और रिमूव करके ये बैक वाला को ओपन करेंगे। चलो एक बार कर लेता हूँ इसको, स्क्रू है उसको मैं पूरा निकल दिया हूँ, और अभी ये वाला जो पार्ट है ऊपर वाला पार्ट इसको भी रिमूव कर दिया हूँ। ये रहा इसका कीबोर्ड, ये रहा इसका मदरबोर्ड का पार्ट। तो कीबोर्ड जो है यहाँ पे है इसका कीबोर्ड, ठीक है। तो अभी इसको चेंज करेंगे एक बार, ठीक है। और ये कीबोर्ड पहले भी एक बार चेंज हुआ है, देख सकते हो, क्योंकि ये यहाँ पे देख सकते हो नॉच वगैरह लगा है। और अभी इस कीबोर्ड को भी अभी चेंज करेंगे, ओके। तो नॉर्मली कीबोर्ड चेंज करने के लिए आपको जो करना चाहिए, ये यहाँ पे देख सकते हो मेटल हीटसिंग वाला पार्ट है ये बेस। तो इतने जितने सारे यहाँ पे देखिए लॉक है, इस लॉक को हम आयरन से हीट करके इसको रिमूव करूँगा। और रिमूव करने के बाद ये वाला जो मेटलिक जो पार्ट है इसको पूरा बाहर करूँगा, ठीक है। इसके जितने सारे लॉक है रॉक को तो रिमूव कर दिया हूँ। और यहाँ पे 3 स्क्रू है देख सकते हो, इसको भी टचपैड का स्क्रू भी रिमूव करना पड़ेगा, नहीं तो ये वाला जो पार्ट है ये रिमूव नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो इसको टचपैड को मैंने बाहर कर दिया हूँ, ठीक है, कर देता हूँ। और ये वाला पार्ट अभी रिमूव होना चाहिए, देखिए ये पूरा बाहर हो गया, ओके। तो ये रहा इसका कीबोर्ड, यहाँ पे देख सकते 2022 में इसको चेंज किया था, ओके। और अभी इसका जो जितने सारे लॉक है सेम प्रोसेस, इसको भी आयरन से इसको हीट करके इसको बाहर करेंगे। तो देखो इतने सारे तक कर लिया हूँ, और अभी देखो स्टेप बाय स्टेप देखो कैसे इसको चेंज करना है, ठीक है। तो देखो नॉर्मली 80% कीबोर्ड रिमूव हो गया है, तो अभी देखो पूरा कीबोर्ड रिमूव हो गया है, ठीक है। तो और मेरे पास एक कीबोर्ड है नया, तो देखो स्टेप बाय स्टेप, ये रहा नया कीबोर्ड और ये रहा पुराना कीबोर्ड। कलर देखिए, ये पुराना कीबोर्ड में ये स्क्रॉल वाला कलर है फेंका हो गया, और देखिए डार्क कलर, तो कलर देख के पता चल गया होगा कि क्वालिटी क्या है कीबोर्ड में, ठीक है। इसको खराब कीबोर्ड को साइड कर देता हूँ,
और ये वाला है अभी स्टेप बाय स्टेप, यह इसको भी बैठाएंगे। तो नॉर्मली पूरा साफ कर लिया हूँ, साफ करने के बाद ये वाला कीबोर्ड को यहाँ पे बैठाएंगे, नया कीबोर्ड को। तो देखो कैसे इसको यहाँ पे बैठाता हूँ, जितने सारे लॉक है इस लॉक को भी इंजिट लॉक कर लेंगे, ठीक है। जितने सारे लॉक है लॉक को बैठाएंगे और स्टेप बाय स्टेप इसको टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। और देखिए इस टाइप का लॉक लग गया, लगा नहीं, अभी लगाऊंगा तो कैसा दिख रहा है, पूरा मैचिंग है। और पीछे से इसको लॉक करूंगा, ठीक है। तो देखो कैसे इसका जो लॉक है, लॉक को हम अच्छे तरीके से इसको लॉक करते हैं। अगर लॉक होगा तो यूज़ करने में भी बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। लॉक प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो जितने सारे लॉक है धीरे धीरे लॉक करता हूँ, क्योंकि वीडियो भी लंबा हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो देखो जितने सारे कीबोर्ड में लॉक था ये प्रॉपरली लॉक हो गए। अभी टच पैड का जो स्क्रू है वो टच पैड के स्क्रू भी लगा देंगे, और इसके साथ इसका जो पार्ट है ये वाला हिट थर्मल पैड प्रोटेक्शन पैड ये भी यहाँ पे फिट करेंगे, फिट करके दिखाते हैं। देखो कि इसका टच पैड वगैरह सब कुछ फिट हो गए, और अभी जो लैपटॉप का पार्ट है डिस्प्ले वाला पार्ट में ये भी असेंबलिंग करेंगे, असेंबलिंग करके फिर चेकआउट करेंगे। देखो कीबोर्ड पूरा फिट हो गया, और फिट करके दिखाऊं, ये देखो कीबोर्ड वर्क भी कर रहा है, ओके, और 100% वर्किंग कंडीशन में। तो इस टाइप का अगर मदरबोर्ड में कोई भी कीबोर्ड लगाना चाहते हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या बाहर से हो तो बाई कुरियर भी कर सकते हो, ठीक है। और बहुत सारे लैपटॉप रिपेयर का नॉलेज भी देता हूँ, और रिपेयर करना सिखा भी दे रहा हूँ, नया बैच स्टार्ट हो रहा है अभी। वॉचिंग करने के लिए धन्यवाद, आपका दिन से वो, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।